तकरीबन डेढ़ माह से लगा कोरोना कर्फ्यू हटाने के लिए मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद से अब तक प्रदेश अनलॉक नहीं हुआ, जिसका असर ये हुआ कि कोरोना के फैलने में तो कमी आई ही, पर इसके साथ ही लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा। यही वजह है कि सरकार के स्तर से लेकर आम लोगों तक कोरोना कर्फ्यू हटाने की चर्चा चालू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में भी यही अहम मुद्दा रहा, जिसमें अधिकांश मंत्रियों ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की पेशकश की। हालांकि सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि मंत्री गांव से लेकर ब्लॉक स्तर पर लोगों से राय लें, जिस पर 29 या 30 तारीख को फिर चर्चा होगी, उसके बाद ही कोरोना कर्फ्यू हटाने पर विचार होगा। हालांकि कर्फ्यू हटाने का फॉर्मूला तैयार करने की कवायद अलग होगी। इसके लिए कैबिनेट ने तय किया है कि 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी जो अनलॉक की प्रक्रिया पर अपने सुझाव रखेंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी करने की चर्चा है, ताकि आपात स्थिति से किसी भी वक्त निपटा जा सके। 5 मंत्रियों की ये समिति सारे मंत्रियों के सुझावों पर चर्चा करेगी, गांव, ब्लॉक और पंचायत से मिले सुझावों पर भी ध्यान देगी और फिर कर्फ्यू खोलने का फॉर्मूला तैयार करेगी।